वाईफाई सिग्नल के जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में, यहाँ पर आपको सेव नेटवर्क्स पे आना है एंड यहाँ पे जितने भी आपको और नेटवर्क्स मिलेंगे वो सारे के सारे काट देना, सिर्फ एक दो या तीन मैक्सिमम आप चार पांच रखना, किसी किसी के फ़ोन में 15-16 होते हैं तो समटाइम्स जो है ना ये इशू आ जाता है। और सेकेंड जो मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँगा, यहाँ पर आपको जो है ना ये कोड डायल करना है *#*#4636#*#*#। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, तीसरे में आपको आना है वाईफाई इंफॉर्मेशन, उसके बाद वाईफाई स्टेटस में यहाँ पर रिफ्रेश दबाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई स्टेट के अंदर जो है ना इनेबल्ड लिखा हुआ है। तो अगर आपके में डिसेबल्ड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब फ़ोन का जो हार्डवेयर है वाईफाई वो जो है ना सही से काम नहीं कर रहा, फिर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ये जो दो तीन और ऑप्शन है इसमें आपको जो है ना बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसके अंदर जो भी सेटिंग्स है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ वो जो थर्ड वाला है वाईफाई स्टेटस में जाके आपको रिफ्रेश करना है वो हमने कर दिया है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है हमारे पास सेटिंग्स में आके, यहाँ पर आपको कोने में जो है ना रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जो है ना रीसेट ऑप्शंस में आपको जाना है, इसमें नहीं जाना, मैं गलती से चला गया था, ठीक है। तो आपको रीसेट ऑप्शंस में जाना है, इसके अंदर जाके रीसेट ऑप्शंस एंड यहाँ पर आपको जो है ना रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स मिलेगी, यहाँ पर आपको रीसेट कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके पास वाईफाई कनेक्ट है वो सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे एंड दोबारा आप कनेक्ट करके चला के देखना, आई होप आपके पास चल जाएगा। अब ये थे दो स्टेप, तीसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप जो है ना अपने रूटर का जो पासवर्ड है वो चेंज करना, सारे के सारे जो फ़ोन्स हैं उनसे जो है ना हटा देना, सबसे पहले इन्फिनिक्स के फ़ोन में लगाना, उसके बाद दूसरों में लगाओगे तो इससे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर इन सब से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो जो है ना आप अपने फ़ोन को एक बार बंद करके ऑन करके देखना, अगर उससे भी नहीं हो रहा तो आपको जो है ना लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आपका जो रूटर वाला है उससे जो है ना कुछ बात करनी होगी आपको, क्योंकि समटाइम्स जो है ना ऊपर से इश्यूज़ होते हैं रूटर की तरफ से तो फ़ोन का मसला नहीं होता। तो यही तीन चार ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए इस वीडियो के अंदर एंड यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ डेवलपर मोड में जाके कुछ वाईफाई एनहेंस के रिलेटेड जो है ना ऑप्शंस होते हैं जो आपको जो है ना ऑन करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस, यहाँ पर जो है ना एक दो ऑप्शंस होते हैं एनहेंस वाईफाई सिग्नल ऐसे कुछ करके, तो उसको जो है ना आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। बट इससे जो है ना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है इनेबल वाईफाई लॉगिंग, ये नहीं है, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एक सेकेंड, हाँ टेदरिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन, तो इसको दबाओगे तो आपका जो हार्डवेयर है वाईफाई एंड ब्लूटूथ का वो थोड़ा सा जो है ना फास्ट होगा, तो जिससे हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट समटाइम्स ये जो इश्यूज होते हैं ये जो है ना ऊपर से होते हैं, जैसे BBI फाइबर वाले हो गए या स्टॉम फाइबर वाले हो गए या PTCL BB वाले हो गए, इनके अंदर जो है ना इश्यूज आते हैं। मेरा जो PC होता है ना उसके अंदर भी मुझे समटाइम्स ये इशू मिलता है। तो जी हाँ, यही था सारा एंड अगर इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आपका जो वाईफाई है उसकी जो रेंज है वो क्लोज करना, मतलब करीब जाके बैठना। नीचे कमेंट करके बताओ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।